नमस्कार दोस्तों, आज मैं भी आपको इस वीडियो में बात करूंगा कैप कोबराज वर्सेस लायंस की टीम के बारे में, ड्रीम इलेवन एंड प्लेस पर दोनों की टीम है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगा पिच कंडीशन क्या है एंड बारिश के चांसेस हैं कि नहीं, तो उसकी बात करूंगा। दोस्तों पहले रैंकिंग बात करें, अभी क्या चल रही है रैंकिंग। तो कैप कोबराज 5 मैच खेली है, 2 मैच जीती है, 3 मैच हारी है और रैंकिंग में पाँच पे रैंक पे हैं। और लायंस वहीं 6 मैच खेली है, 1 विन की है और 3 हारी है और 2 उसके रिजल्ट ही नहीं आए। मतलब लायंस अपने टीम के में 4 रैंक पर है दोस्तों। तो मिला जुला परफॉर्मेंस एवरेज रहा है दोनों टीम का। तो बात करें पिच कंडीशन जोहानिसबर्ग होने वाली है मैच, और कंडीशन की बात करें वहाँ के पिच फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प करती है दोस्तों। एंड एक और बात दोस्तों, बारिश के 30% चांस ही पानी पड़ सकती है, तो आप उन्हीं प्लेयर लीजिए जो टॉप ऑर्डर में। अब मिडिल ऑर्डर में अगर पानी पड़ती है तो ओवर कम जरूर होंगे, ये तो कंफर्म है। 30% चांस है पानी पड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेसवर्ड टीम की। दोस्तों जिन भाई ने प्लेसवर्ड खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता दोस्तों, काफ़ी अच्छा ऐप है। यहाँ आपको 100% बोनस यूजल करने मिलता है। आपको स्मॉल लीग 1 में 2 में 3 में कोई भी लीग में 100% बोनस यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में 100 रुपीज़ लेना भी है तो आप प्लेसवर्ड खेलना ही पड़ेगा। कैसे खेलना होगा, कैसे 100 रुपीज़ मिलेगा, अगर आपका किसी का रेफरल कोड यूज करके आप इसमें रजिस्टर कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा फ्री में दोस्तों। जैसे मोबाइल और ईमेल वेरीफाई होगा वैसे 30 रुपीज़ आपका अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आप फर्स्ट डिपोजिट कीजिएगा डिपॉजिट तो एक्स्ट्रा और 70 रुपीज़ आ जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा, विनिंग ज़्यादा होता है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो है दोस्तों। खेलना चाहिए खेल सकते हैं, मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करके बोनस ले सकते हैं दोस्तों। वैसे मेरा रेफरल कोड है COOL1776, ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों। खेलना चाहिए खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोनस लेना आपको लक अच्छा रहता है, 100 से 1000, 1000 से 1,00,000 भी बना सकते हैं दोस्तों अगर लक अच्छा रहा दोस्तों। चलिए टीम की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते दोस्तों, इसकी मैंने टीम दी थी, जैसे ये डेडलाइन ख़त्म होगा वैसे ही नया वही मैच का नया लीग स्टार्ट होगा जिसमें आपको प्ले में पता चल जाएगी। तो मैंने आपको ये ड्रीम इलेवन टाइप दोनों कर रहा है, एक प्ले इलेवन पहले वाले भी टीम लीग बना रहा है, आप प्ले इलेवन बाद वाले भी अगर टॉस के बाद जो टीम एडिट कर सकते हैं मिल जाने का, प्ले इलेवन मिल जाने के बाद उसकी भी आप बना रहा है दोस्तों। मैंने काफ़ी अच्छा कर रहा है, खेलना चाहिए खेल सकते, काफ़ी अच्छा हो रहा है दोस्तों इसका। चलो टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर में काइल पिछला मैच नहीं खेला दोस्तों, क्यों नहीं खेला, जेपी डुमिनी आ गया था 4 पे खेलते हैं और काइल भी 4 पे खेलते हैं तो इसे इनको ड्रॉप किया गया था। अगर एक और बात दोस्तों, इस मैच में सबसे बड़ी न्यूज़ है हाशिम अवले नहीं खेलेंगे, तो आप उनको ड्रॉप कीजिएगा दोस्तों, वो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ से मैं सेफ प्लेयर अभी जा रहा हूँ निकी वैन डेन बर्ग के साथ, जो 5 नंबर बैटिंग करने आते हैं, कभी ऐसे बैट्समैन भी है दोस्तों। आप जाना कायल की जगह रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी रिस्क फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। ऑलराउंडर बात करें, ऑलराउंडर में नए पेट्रोरियस खेलेगा लिंडे, 6 पर बैटिंग करने आ रहा है, बॉलिंग भी पूरा कर रहा है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है दोस्तों। जैसे इस नहीं खेलेगा, नए डिकले खेलेगा, नए ये भी नहीं खेलेगा। जेपी डुमिनी 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं ना, पिछला बार 3 ओवर बैटिंग पार्टनर में किया था लेकिन 0 पर आउट हो गया था, अपने टीम के और कैप्टनसी कर रहे हैं तो इनको लेना बनता है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। कागिजो रापुलाना ओपनिंग कर रहा है दोस्तों, पिछले बार 20 रन की पारी खेली थी, अपने लेना चाह सकते लेकिन इनसे अच्छे प्लेयर रोडी है जिसमें बैटिंग 7 पर बैटिंग की और काफ़ी अच्छा रन भी मारा एंड बॉलिंग में काफ़ी अच्छे विकेट भी निकाला दोस्तों। विकेट 10 ओवर में 4 मेडन देकर 3 विकेट निकाले दोस्तों, 4 मेडन ओवर दिए थे, 4 मेडन ओवर। और एक और बात, मात्र 28 बॉल में 41 रन मारे थे, 3 चौके और 3 छक्के के साथ दोस्तों, काफ़ी अच्छे फॉर्म में था। इनको लेना बनता है, फ्लेंडर नहीं खेले उनको मत लीजिएगा, मुल्डर भी नहीं उनको मत लीजिएगा, लुबी भी नहीं उनको मत लीजिएगा। आप यहाँ से अब 3 महीने बेस्ट जितना बेस्ट हो जाएगा उतना प्लेयर 3 ले चुका हूँ, रोडी को लिया हूँ, जेपी डुमिनी को लिया हूँ एंड लिंडे को लिया हूँ। आपके पास एक ही ऑप्शन है जो ओपनिंग करते हैं लेकिन बॉलिंग तो नहीं करते हैं, अब इनको ले सकते हैं, कागिजों को ले सकते हैं। पहले बैटिंग बात, बैटिंग में जाने वाले वाला ओपनिंग करता है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में टच में है, हाशिम अवले नहीं खेलेगा मुझे मत लीजिएगा। डोमिनिक हेंड्रिक्स पिछले में 5 पाया, 116 रन की पारी खेली, काफ़ी कमाल की पारी खेली दोस्तों, तो इनको लेना बनता है।
एंड रमना नहीं खेलेगा, पीटर मलन खेल सकता है लेकिन इनको रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि क्यों नहीं ले रहा हूँ, हाशिम अवला नहीं खेले, ओपनिंग किया था पिछले मैच में, नहीं खेले हैं इस मैच में, नहीं खेलेंगे तो इसलिए इनको इनको पीटर मलन ड्रॉप किया गया था। अगर हाशिम अवला नहीं खेल रहे हैं तो पीटर मलन कन्फर्म खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। इनके बदले कायल भी खेल सकते हैं दोस्तों, कायल को भी ड्रॉप किया गया था, तो इसलिए दोनों में कोई कोई भी खेल सकता है, इसलिए मैं पीटर मलन नहीं ले रहा हूँ। अगर प्ले इन मिल जाएगी तो उसके बाद मैं टीम एडिट कर दूँगा, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा, इसलिए आपको मेरा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन होना ना भूलें दोस्तों। दर्शन भी नहीं खेलेगा, ओपनिंग हैंड्रिक्स भी नहीं खेले, इनको मत गया रैन ओपनिंग करा, लिंक काफ़ी अच्छे फॉर्म में खेला है, जरूर लेना चले सकते हैं, फॉर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं लूँगा। सिमोन भी नहीं खेलेगा, इनको मत पिक करना, कुक भी नहीं खेलेगा, उनको मत पिक करना दोस्तों। लायंस के हो गए बाबूमा टेम्बा बाबूमा अपने टीम में उसके अप्रेंटिस कर रहे हैं, पिछले मैच में कुछ रन तो नहीं मार पाए ज़्यादा, लेकिन पिछले मैच में शतक मारा था दोस्तों, काफ़ी अच्छे टच में थे, इनको ले सकते हैं। हमजा तीन नंबर बैटिंग करने आएंगे, काफ़ी अच्छे भी टच में है तो इनको लेना बनता है। बबुआ ने पिछले मैच चार रन पारे मारे थे, लेकिन पिछले मैच पता है शतक मारे थे, हमजा ने पिछले मैच तीन नंबर पा के 24 रन पारी मारी थी, तो अब इनको मैं इनको ले साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग बात बॉलर में काफ़ी अच्छे से दोस्तों है, फॉर्च्यून ने पिछले मैच एक विकेट भी निकाला, आप इनको ले सकते हैं। सबसे पहले डेन पटेल काफ़ी अच्छे टच में और बॉलिंग करते हैं, डेट ओवर और प्ले पावर प्ले में दोनों बॉलिंग करते हैं। और डेन पिट को पिछले बार ड्रॉप किया था, इनको मत लीजिए दोस्तों। एडम नहीं खेलेगा, कगजोरा बटा नहीं खेलेगा, लिजा विलियम नहीं खेलेगा, आप सीवेटो को लेना चले सकते हैं, खेलेगा जरूर, एंड नहीं पिटोरिस खेलेगा, नहीं खेलेगा, नहीं नेबे खेलेगा, बारगो को लेना ले सकते हैं, पिछले मैच इसने भी एक विकेट निकाला। बुकागो इस बार फिर खेल सकता है, इनको भी लेना ले सकते हैं, एंड यहाँ से आप फॉर्चून बच्चे आयरन फॉक्स को पिछले मैच में तीन विकेट निकाला दोस्तों, इन तो इनको ले रहा हूँ मैं, और साथ में बैटिंग भी करने आए हैं, कुछ रन भी मार सकते हैं, इनको ले रहा हूँ दोस्तों। एंड आप अकोरा मनेका ने अभी तीन विकेट निकाला था, आप इनको भी ले सकते हैं, पिछले मैच तीन विकेट निकाला, लेकिन फिलहाल मैं फॉर्चून के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। तो यही टीम है दोस्तों, डेन पेटरसन फॉर्च्यून एंड एरन फ्रांसिस्को को लिया है दोस्तों, ऑप्शन बता चुका आप किन को ले सकते हैं। बात करें देखिए कैप्टन की बात करें, कैप्टन मेरे रहेंगे वही सेम कहाँ के जॉर्ज इलिनर जो बैटिंग बल्ले दोनों कमाल कर रहे हैं, और वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे जाने मन मालन दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन बताया था आपको जेपी डुमिनी को ले सकते हैं ग्रेडलिंग में, उस्मान लेमिन काफ़ी अच्छे प्लेयर है, एरन फ्रांसिस्को को भी ले सकते हैं, एंड यहाँ से आप ले सकते हैं हमजा को ले सकते हैं, बबुआ को ले सकते हैं, काफ़ी पिछला मैच शतक मारा था दोस्तों, आप डुमिनी ने भी पिछले मैच में शतक मारा था, इनको भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिलहाल मैं जाने मन मलंग से जा रहा हूँ, एंड कैप्टन मैं जॉर्ज इलिनर, आप जेपी डुमिनी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ये भी काफ़ी अच्छे कमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ जाने मन मलंग को दोस्तों, आप चाहे बना रहे हैं लिंडे को ही क्योंकि सॉरी जेपी डुमिनी को ही क्योंकि ये भी बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग का एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा प्लेस वर्ड में, प्लेस वर्ड पॉइंट का भी अच्छा है इस सेव के लिए दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप दोस्तों पब्लिक पोर्ट ही खेला कीजिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा विनिंग होती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो है इसमें। चलिए बात करें ड्रीम इलेवन टीम की दोस्तों, तो दोस्तों डीम में तो टिप्पणी तो मिल जाएगी, इसके लिए आपको मैं चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। तो यहाँ से मैं मिलूँगा वेंडरमैन को बर को, यहाँ से लूँगा मैं जानेमन बलम बबूमा एंड हमजा, एंड यहाँ से लूँगा हैंड्रिक्स डेविड हैंड्रिक्स को लूँगा, ऑलराउंडर में से बीजेपी डुमनी अरूरी एंड लिंडे को लूँगा, बॉलर में मैं लूँगा पेटरसन सेम अरुण फ्रांसिस्को एंड यहाँ से फॉर्च्यून को लूँगा दोस्तों। आप शिव बर्गर को भी ले सकते हैं, काफ़ी वो भी काफ़ी अच्छा बॉलर है दोस्तों, एंड सिवेटो को लेना इनको भी ले सकते हैं। बको का मने का खिलाड़ी जैसा पिछले मन का तीन विकेट निकाला दोस्तों, इनको भी ले सकते हैं। कैप्टन बताऊँ कैप्टन वही सेम रहेंगे मेरे जॉर्ज लिंडे, वाइस कैप्टन सेम रहेंगे डुपिनी, सेव कर लिया आपको ऑप्शन बता चुका दोस्तों, आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कोई अपडेट होगा हम अपडेट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में, इसलिए ज्वाइन कर लें दोस्तों। और प्लेस पर एक बार खेल लीजिए, ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 100 रुपीज़ फ्री में दे रहा है, एक बार ट्राई कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितना अच्छा ऐप है दोस्तों, लीडिंग वेबसाइट बन रही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, कीप विनिंग।